तो दोस्तों आप लोगों ने फेसबुक या फिर यूट्यूब पे देखा होगा कि जो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं वो लाइव आने के पहले स्ट्रीम स्टार्टिंग का इंट्रो और लाइव एंड होने पर स्ट्रीम एंडिंग का इंट्रो लगा देते हैं। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग पीसी के थ्रू करते हैं, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के थ्रू एक प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने फेसबुक गेमिंग पेज पे, जिसमें दोस्तों आप अपने मोबाइल के थ्रू स्ट्रीम स्टार्टिंग का इंट्रो लगा सकते हैं और स्ट्रीम एंडिंग का भी इंट्रो लगा सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों हम आ गए हैं सिंपली अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है प्रिज्म लाइव स्टूडियो। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, तो आपको सिंपली वहाँ से अपने फोन में इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों मेरे फोन में इंस्टॉल है तो मैं सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने प्रिज्म लाइव स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। आप फेसबुक से, गूगल से, ट्विटर से एंड एप्पल से लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों मैं जैसे कि यहाँ पे गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। जब दोस्तों आपकी आईडी यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी तो यहाँ पे आपसे 3 परमिशन मंगेगा, कैमरा, माइक्रोफोन एंड मीडिया का। तो आपको सिंपली यहाँ पे इसे अलाउ कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो तीनों परमिशन है आपको सिंपली अलाउ कर देना है। दोस्तों अलाउ करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सिटी और क्रोमा की बैकग्राउंड एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग। दोस्तों यहाँ पे आप ग्रीन स्क्रीन का यूज करके आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम में, जो कि दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं तो। दोस्तों उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे राइट स्वाइप करना है। राइट स्वाइप करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि मीडिया, म्यूजिक, टेस्ट, विगेट, स्क्रीन कॉस्ट। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर लेना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो आपकी लाइव स्ट्रीम एंडिंग एंड यहाँ पे लाइव स्ट्रीम स्टार्टिंग का यहाँ पे जो टेम्पलेट है आपको सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये दोनों टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक और आपको यहाँ पे एक फोटो कोई भी चूज कर लेना, जो कि आप अगर अपना चेंज करते हैं तो वहाँ पे आपका दिखाई पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको तीनों को ऐड कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार आप पबजी वगैरह खेलते हैं। जब दोस्तों आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो तीनों लेयर आपने ऐड की हैं तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन पे कर लेना है। दोस्तों ये जो टेम्पलेट आपकी लाइव स्ट्रीम में जैसा दिखेगा वैसा ही आपकी लाइव स्ट्रीम में दिखेगा। तो आपको सिंपली दोस्तों आपको फिर से इस पर टैप करना है और आपको राइट स्वाइप करना है और आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग सून की यहाँ पे टेम्पलेट है आपको इसे भी फुल कर लेना है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद में आपको फिर से राइट स्वाइप करना है और आपने यहाँ पे जो थर्ड फोटो यहाँ पे लिया है आपको सिंपली इसे भी फुल कर लेना है। दोस्तों इसका यूज करने से ये होगा कि जब स्ट्रीम स्टार्टिंग का आप टेम्पलेट यहाँ पे यूज करके आप अपनी स्क्रीन कॉस्ट को वहाँ पे जब लाइव करेंगे तो ये उसके बीच के जो समय होता है उसमें ये आपका सब्सक्राइब ना हो आपका दिखा देगा। उसके बाद में आपको सिंपली फिर से एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद में दोस्तों आपको फिर से राइट स्वाइप आ जाना है। दोस्तों राइट स्वाइप आने के बाद में आपको इसे डिसलेक्ट कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आप म्यूजिक वगैरह चाहे तो आप यूज कर सकते हैं जो कि आपका बैकग्राउंड में बजता रहेगा। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक कर देना है। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो चाहे आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टेस्ट को अपने ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन मिल जाता है सोशल। दोस्तों यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया के लिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे अपने यूजर नेम दे देना है, जैसे कि मैं अपना यूजर नेम दे देता हूँ। दोस्तों यूजर नेम देने के बाद में आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चाहे तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका कलर ग्रीन ले लेता हूँ। और उसके बाद में इसका फॉन्ट वगैरह चाहे तो आप यहाँ से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नोटो सेरिफ ले लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे आउटलाइन वगैरह बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ।
उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक और लेयर आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद में जहाँ पे आप इसे रखना चाहें आप रख सकते हैं, अपनी लाइव स्ट्रीम में जहाँ पे आप दिखाना चाहें वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपकी लाइव स्ट्रीम में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी लेयर हैं वो सभी एडजस्ट हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो लाइव का लोगो दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका आ जाएगा सेट डेस्टिनेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जैसे कि YouTube, Facebook, Twitch, नेवर टीवी, कई सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। अगर दोस्तों आपको YouTube पे लाइव स्ट्रीम करना है जीरो सब्सक्राइबर, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली Facebook पे क्लिक कर लेना है। Facebook पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, कनेक्ट Facebook, Facebook कस्टम RTMP। आपको सिंपली कनेक्ट Facebook पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कनेक्ट फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी आईडी ऑटोमेटिक इसमें लॉगिन हो जाएगी अगर आप फेसबुक ऐप यूज करते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मेरी मेन आईडी है, यहाँ पे मेरा कोई पेज नहीं आया हुआ, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और आपको फिर से अपने लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मल्टी स्ट्रीम ऑफ। दोस्तों अगर आप अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं एक साथ, तो फिर मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली एवरीवन यहाँ पे आपका जो शो कर रहा है आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपके दो ऑप्शन मिल जाएंगे, माय ग्रुप, माय पेज। दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली पेज के एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी पेज आपके क्रिएट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे कि मेरा पेज है राज गेमिंग, तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसे टिक कर देता हूँ क्योंकि मैं इसी पे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। तो उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी लाइव स्ट्रीम का टाइटल दे देना, जो भी आप अपनी लाइव स्ट्रीम का टाइटल देना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ एग्जाम्पल। दोस्तों आप अपनी लाइव स्ट्रीम का टाइटल देने के बाद में अब आप यहां पे अपनी लाइव स्ट्रीम की क्वालिटी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे जो 720p आपको दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आ रहा है एडाप्टिव बिटरेट, आपको सिंपली इसे ऑन रखना है। उसके बाद में दोस्तों यहां पे आ रहा है रिसोल्यूशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको अपनी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरा यहां पे इंटरनेट स्पीड थोड़ा ही स्लो है तो मैं इसे 360p पे कर देता हूं। उसके बाद में आपको सिंपली यहां पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको बिटरेट को कुछ नहीं करना है और उसके बाद में आपको फ्रेम रेट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर आपका फोन यहाँ पे 60fps सपोर्ट करते तो आपको सिंपली यहाँ पे 60fps पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग हो जाने के बाद में आपको सिंपली राइट स्वाइप करना है। राइट स्वाइप करने के बाद में यहाँ पे जो स्ट्रीम स्टार्टिंग सून की यहाँ पे टेम्पलेट है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, तो आपको सिंपली इस पर फिर से एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ पे आपको गो लाइव पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद में अगर आप यहाँ पे पबजी वगैरह खेलते हैं तो आपको अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में पकड़ लेना है, अदरवाइज आप अगर लोडो वगैरह खेलते तो आपको सिंपली पोर्ट्रेट मोड में ही रखना है। दोस्तों यहाँ पे आपकी लाइव स्ट्रीम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको सिंपली इसे प्ले कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे प्ले कर देंगे तो यहाँ पे जो आपकी लाइव स्ट्रीम है ये सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो इसके बाद अगर आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन को प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको सिंपली राइट स्वाइप करना है। राइट स्वाइप करने के बाद में यहाँ पे स्क्रीन कॉस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिज्म लाइव स्टूडियो विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। तो दोस्तों आपको सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन होगी वो तुरंत ही लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी आप गेम खेलने वाले हो दोस्तों आपको सिंपली उसे बैकग्राउंड में चला लेना है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रीन कॉस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको सिंपली उसे ही ओपन कर लेना है। अब दोस्तों अगर आपकी लाइव स्ट्रीम को यहाँ पे एंड करना है स्टार्टिंग सून वाली टेम्पलेट के साथ में, तो आपको सिंपली यहाँ पे फिर से प्रिज्म लाइव स्टूडियो वाले एप्लीकेशन पे आ जाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली राइट स्वाइप करना है। राइट स्वाइप करने के बाद में यहाँ पे आपने जो स्ट्रीम स्टार्टिंग सून वाली टेम्पलेट पे यहाँ पे क्लिक किया है आपको सिंपली इसे डिसलेक्ट कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रीम इज इंडेड वाली लेयर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कर देना है स्क्रीन कॉस्ट ऑफ और उसके बाद में आपको कर देना है इसे प्ले। प्ले करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे जो आपका दिख रहा है वो सिंपली आपकी लाइव स्ट्रीम में भी दिख रहा है। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे अपनी लाइव स्ट्रीम को एंड करने के लिए यहाँ पे आपका एंड का बटन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे एंड पे क्लिक कर देना है। एंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा एंडिंग लाइव ब्रॉडकास्ट, और आपका जो लाइव स्ट्रीम होगा वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। दोस्तों लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीम को चाहें तो यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका URL भी ओपन करके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमने जो फेसबुक पेज पर अपनी लाइव स्ट्रीम की है वो हमारे फेसबुक पेज पर कैसे देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली होम पर आ जाता हूँ। होम पर आने के बाद मैं यहाँ पर अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अपना फेसबुक पेज ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेरा पेज है राज गेमिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं अगर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लाइव स्ट्रीम की है 5 मिनट पहले, और इसका टाइटल था एग्जांपल। और दोस्तों मैं आपको इसे प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीम स्टार्टिंग सून वाला यहाँ पे टेम्पलेट भी आ रहा है, और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे इसे कट करके भी आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे हमारी स्क्रीन भी यहाँ पे कास्ट हो रही है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे मैं एंडिंग भी दिखा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं कि स्ट्रीम इज एंडेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने फेसबुक गेमिंग पेज पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं जो कि हमारा यूजर नेम है टेकविजितेन। अगर दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पे 0 सब्सक्राइबर से एकदम प्रोफेशनल तरीके से लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं ये वाली वीडियो। अगर दोस्तों आप अपने यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम के व्यूज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं ये वाली वीडियो। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लिए ख्याल रखना अपना। बाय बाय।